वर्ष पूर्व जूते पर 5 से 12% की गई जीएसटी को लेकर जूता व्यापारियों व दस्तकारों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। 2 सितंबर को द आगरा शू फैक्टर्स फेडरेशन के तत्वाधान में जयपुर हाउस स्थित श्रीराम पार्क में सुबह 11 बजे से विशाल अखिल भारतीय जूता संघ की महासभा आयोजित की जा रही है, जिसमें आगरा सहित देश के लगभग 12 प्रांतों के जूता संघ के पदाधिकारी व दस्तकारों, विभिन्न पंचायतों के कारीगर सहित लगभग 5,000 से अधिक लोग अपनी मांग को लेकर एक मंच पर जुटेंगे। आज द आगरा फैक्टर्स शू फेडरेशन की हिंगी मंडी स्थित कार्यालय पर आयोजित आमंत्रण पत्र विमोचन कार्यक्रम व आम सभा में फेडरेशन के अध्यक्ष विजय सामा ने महासभा की जानकारी देते हुए कहा कि सरकार ने जूते पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% नहीं की तो सड़क से लेकर संसद तक आंदोलन होगा। जूता उद्योग से जुड़े विभिन्न संगठनों द्वारा सम्मिलित रूप से अखिल भारतीय जूता व्यापारी संगठन बनाया गया है, जिसमें कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, असम से लेकर महाराष्ट्र तक विभिन्न प्रांतों के पदाधिकारी 2 सितंबर को श्रीराम पार्क जयपुर हाउस में एकत्रित होंगे। महासभा के माध्यम से अपनी मांग को हम सरकार तक पहुंचाएंगे। नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति के माध्यम से 12% जीएसटी होने पर कारीगरों की दयनीय स्थिति को सामने लाने का प्रयास किया जाएगा। कई कारीगरों द्वारा आत्महत्या कर ली गई है। शहर के लगभग 3 लाख परिवार जूता व्यापार से जुड़े हैं। हमें जूता उद्योग के पुराने दौर का लौटाकर लाना है। मैं सोमदत्त, अध्यक्ष केंद्रीय भीम व्यापार मंडल, जो हमारे आगरा शू फैक्टर फेडरेशन के आह्वान पर पूरे देश में जो टैक्स हमारे पर 12% लगाया गया है, उसको कम करने के लिए 5% टैक्स की जो मांग की जा रही है, उसके लिए हम लोग 2 तारीख को एक महासभा करने जा रहे हैं। उस महासभा में हमारे जाट समाज के जितने भी संगठनों ने समय तय किया है कि हम एक मुस्त तरीके से जूता मंडी पर इकट्ठा होंगे और वहाँ से एक विशाल जुलूस के रूप में हम सीरा मंदिर पार्क पहुँचेंगे और इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे और सरकार पर दबाव बनाएंगे कि टैक्स 12% से 5% किया जा सके, जिससे आगरा में जूता उद्योग आगे बढ़े और खुशहाली आ सके। इस समय बहुत परेशान है जूता उद्योग, बहुत बदहाली का शिकार है। धन्यवाद। मैं सर्वप्रथम अंबा प्रसाद गर्ग, उपाध्यक्ष नेशनल चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स। जैसा कि सभी को विदित है, जूते पे 5 से 12% टैक्स कर दिया गया और केंद्र सरकार ने मंशा के तहत इसको लग्जरी आइटम मानते हुए 12% टैक्स किया है। कोई मान सकता है कि जूता चप्पल, जो गरीब आदमी पैर में चप्पल पहनता है या आम आदमी जो जूता पहनता है, उसको लग्जरी माना जा सकता है, विलासिता की वस्तु है। इस पे हम सब इस चीज का पुरजोर विरोध करते हैं और पूरा चैम्बर इसका पुरजोर विरोध करता है कि जूते पे 12% टैक्स लगाया जो है। उस पे हम मांग करते हैं कि इस पे 5% टैक्स होना चाहिए। हर हाल में इस पे 5% टैक्स होना चाहिए। यदि 5% टैक्स नहीं होता है तो जूते की हालत आगरा में निरंतर बिगड़ती जा रही है, उसकी स्थिति और खराब होगी। देखिए, आगरा शू फैक्टर फेडरेशन के आह्वान पर पूरे भारतवर्ष से समस्त जो जूता व्यापारी हैं, कारखानेदार हैं, दस्तकार हैं, कारीगर हैं, कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स, कंपोनेंट ट्रेडर्स और भी जो इस जूता कारोबार से जुड़े हुए लोग हैं, वो सभी लोग 2 सितंबर 2024 को सुबह 11 बजे श्रीराम मंदिर पार्क जयपुर हाउस पर इकट्ठा हो रहे हैं, जिसके तत्वाधान में कल हमारी आगरा की जितनी भी जाट समाज की जो प्रमुख संगठन है, भीमवा व्यापार मंडल के जितने भी साथी संगठन हैं एवं जितने भी बहुजन समाज के संगठन हैं, कल उनकी एक बैठक जूता मंडी शू प्लाजा ऊटी मीनाजार पर हुई थी और बहुत ही सार्थक सिद्ध हुई। सब लोगों ने एक आवाज़ में अपनी एकता का परिचय देने का वादा किया है और भारी से भारी संख्या में ये सभी लोग जयपुर हाउस पर इस महासभा में इकट्ठा होने जा रहे हैं। और जब पेट पे चोट लगती है तो निश्चित ही सड़क पे आया जाता है और ये 2 तारीख का जो आंदोलन होने जा रहा है, ये आगाज होगा। आवाज और आगाज जब एक साथ होती है तो अच्छी से अच्छी सरकार उखाड़ फेंकने का काम व्यापारी करता है। बंद का जो आह्वान फेडरेशन द्वारा 2 तारीख को किया गया है और जयपुर हाउस में जिस तरीके से हम विजय सामा जी के नेतृत्व में सरकार को जगाने का काम करेंगे, जब पेट पे चोट पड़ती है तो कुछ भी नहीं दिखता है। आज हमारे लाखों व्यापारी के साथ साथ कारीगर भाई, जिनके आज कई जगह चूल्हे नहीं जल रहे हैं, कई व्यापारियों के चूल्हे नहीं जल रहे हैं, ऐसी सरकार, इससे पहले जो सरकारी थे तो 300 रुपये तक तो टैक्स फ्री भी था, जूता 300 रुपये तक टैक्स फ्री था और फिर उसके बाद 5%, आज 5 से 12%। आप क्या चाहते हो कि बीच का आदमी बिल्कुल खत्म हो जाए?
सरकार नीचे तो राशन देके खुश करने का काम करती है, ऊपर धन्ना सेठों को राजी करती है। अब ये आंदोलन जो होगा 2 तारीख का, ये आर पार की लड़ाई होगी। इसमें हम सभी जितने भी व्यापारी वर्ग हैं और हमारे कुटीर वर्ग जो जूता से जुड़े हुए, सब लोग एकत्रित होंगे और सरकार को जगाने का काम करेंगे। अगर सरकार नहीं जगती है तो सरकार को दो टूक जवाब देने का काम भी व्यापारी को आता है। जय हिंद जय भीम। GST का स्लैब के विरोध जो कर रहे हैं हमारी फेडरेशन, उसके लिए हमको आगे आना पड़ा है हमारे अध्यक्ष जी को, समझे? तो इसका आप ये है कि एक अरविंद राय बच्चन का लेख है कि यूं ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। हम जो है कोशिश कर रहे हैं, हमारे अध्यक्ष जी कोशिश कर रहे हैं और इस स्लैब को हम कम करा के रहेंगे। और सरकार से हमारी विनती है कि ये स्लैब हमारे लिए कम करें, क्योंकि हम कुटीर वैसे लोग हैं, कमजोर लोग हैं, इसमें स्लैब के अंदर हमारी परेशानी है, तो इस स्लैब को कम करे सरकार हमारी। आज आप सब प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, डिजिटल बंधुओं का मैं हार्दिक आभार प्रकट करता हूं कि आज आप सब लोग द आगरा शू फैक्टर फेडरेशन के कार्यालय पर हमारे जल्दी बुलावे पे आप सब लोग आए, आप सबका आभार। मित्रों, अब ये वो समय आ गया है कि चौथे स्तंभ को अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। हम सब जूता व्यापारी, कुटीर उद्योग वाले, मैन्युफैक्चरर्स, ट्रेडर्स, सोल एसोसिएशन, नेशनल चैम्बर, जितने दस्तकार हैं, जाटव महापंचायत के सभी पदाधिकारी गण, प्रदीप कुमार पिप्पल जी बैठे हुए हैं, अंबा प्रसाद गर्ग जी बैठे हुए हैं, विनोद सितलानी जी बैठे हुए हैं, ऐसे ही सारे संगठन जो जूते की इंडस्ट्रीज के संग जुड़े हुए हैं, जो व्यापारियों के संग जुड़े हुए हैं, वो बिखरे हुए मोती आज सब एक माला के अंदर आ चुके हैं। और हम सब की जो मांग है वो हमारी मांग नहीं है, वो हमारी जरूरत है, क्योंकि आज हमारी रोटी पर संकट आ चुका है। और ये वो संकट है जिसके लिए हमारे को आज एक सुर में केंद्र सरकार से 9 सितंबर को जो GST काउंसिल की मीटिंग होने जा रही है कि GST 12% से 5% हो, जो पहले भी था, पर जनवरी 2022 हम सबके लिए काला दिन था जिस दिन 5% से 12% कर दिया गया।